नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंद्र कुमार सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो चुनाव 2019। लोकसभा चुनाव 2019 का सियासी रण शुरू हो चुका है। अब सियासी पार्टियां जनता को रिझाने के लिए हर कोशिश कर रही हैं। राजनेता जनता के बीच जाकर नए नए वादे और नई नई सौगात दे रहे हैं। देश के कोने कोने में चुनावों की रणनीति तय हो रही है। कहीं गठबंधन बन रहा है तो कहीं गठबंधन की उम्मीद टूट रही है। बयानबाजी और नेताओं पर तंज कसने की सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव 2019 का रण होने वाला है। चुनावी समीकरण क्या कहते हैं? इस जो राजमैच के बीच सियासी अखाड़े में कौन मारेगा बाजी, कौन होगा चित, ये देश की जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचकर विश्वनाथ मंदिर में पूजा और अर्चना की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। मोदी ने कॉरिडोर निर्माण का शिलान्यास करने के साथ ही भवनों के ध्वस्तीकरण के दौरान मिले देवालयों को भी शीश झुकाया और नमन किया। पीएम मोदी की वाराणसी को बड़ी सौगात, विश्वनाथ कॉरिडोर की रखी आधारशिला, पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा कई सालों से भोले बाबा की चिंता किसी ने नहीं की। लोकसभा चुनाव से पहले सौगातों और चुनावी रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के भी ताबड़तोड़ दौरे जारी है, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा दे डाला। पीएम मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी के बीच 40,000 वर्ग मीटर का कॉरिडोर तोहफा देते हुए कहा कि अब काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के रूप में जाना जाएगा। इससे काशी के पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जमीन देने वालों का आभार व्यक्त किया। जैसे आज मुझे भी माता अहिल्याबाई के संकल्प के साथ काशी के लाखों जनों और देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को उनकी भावनाओं के साथ आज मुझे खुद को जोड़ने का सौभाग्य मिला है, उसका आज शुभारंभ किया गया है। हजारों वर्ष से जिस दिव्यता की अनुभूति कर रहे हैं, उसके साथ अब भव्यता का भी रंग रंगे से रंग जाएगा। इस पुनीत कार्य का शुभारंभ करने के बाद आप सभी बहनों के बीच आपके श्रम को नमन करने के लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थल है। काशी विश्वनाथ के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है, जिसकी वजह से यहां करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से भोले बाबा की चिंता किसी ने नहीं की, सभी ने अपनी अपनी चिंता की। अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई, जिसकी वजह से 40 से ज्यादा पुरातात्विक मंदिर इस पूरे धाम के अंदर से मिले। अब माँ गंगा को सीधे बाबा भोलेनाथ से जोड़ दिया गया है। अब श्रद्धालु गंगा स्नान करके सीधे भोले बाबा के दर्शन करने आ सकेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी ने भी राष्ट्रीय आजीविका सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां सम्मेलन में आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से समर्पित बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए अब और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वाराणसी सीट का क्या है चुनावी समीकरण और यह सीट कितनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्षेत्र है 2014 में पीएम मोदी यहां से चुनाव लड़े थे। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल यहां पर रहे थे। अरविंद केजरीवाल वाराणसी में लोकसभा चुनाव में 2,09,000 से ज्यादा वोटों से पीछे रहे थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी रही थी।
वाराणसी के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी चौथे स्थान पर रहे, तो विजय प्रकाश जायसवाल को 60,579 वोट यहां से मिले थे। सपा प्रत्याशी कैलाश चौरसिया को महज 45,291 वोट ही मिल पाए थे। तो पिछली बार का ये हिसाब था। आपको बता दें कि वाराणसी का जो जातीय समीकरण है उसमें मुसलमान, यादव, दलित वोट 50% के लगभग हैं। वैश्य, ब्राह्मण, मुस्लिम, भूमिहार और राजपूत वोटों की अधिकता है, जिनमें यादव, पटेल, चौरसिया और दलित और अन्य पिछड़ी जाति के वोटर भी हैं। तो रोहनिया, वाराणसी, उत्तर वाराणसी और दक्षिण वाराणसी की अगर हम बात करें, 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,000 से ज्यादा मत यहां से मिले थे। तो 2014 के चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी ने जीत हासिल की थी। तीसरे स्थान पर कांग्रेस का प्रत्याशी रहा। पीएम मोदी ने गाजियाबाद को हिंडन एयरवेज के रूप में बड़ी सौगात दी। कमर्शियल यूज के लिए बने इस एयरवेज के साथ साथ पीएम मोदी ने दिलसाद गार्डन से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक मेट्रो विस्तार कार्य का भी लोकार्पण किया। 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी मेट्रो लाइन में 1,781 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत आई है। पीएम मोदी ने दी गाजियाबाद को करोड़ों की सौगात, कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल का भी किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में करीब 32,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, मेट्रो फेज 2, हडन एयरपोर्ट टर्मिनल, रैपिड रेल शामिल है। इन योजनाओं से न केवल गाजियाबाद के लोगों को फायदा होगा बल्कि दिल्ली आने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। वहीं गाजियाबाद में पीएम मोदी ने सिकंदरपुर में बनाए गए हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। इसके निर्माण में 60 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। यहां 80 और उसमें कम सीटों वाले विमानों को शिफ्ट किया जा सकेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए विपक्ष पर एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हमला किया। पहली जो सरकारें थी उनके शासनकाल में गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान किन कारणों से होती थी, आज गाजियाबाद की पहचान 3 C से होती है। पहला C है कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो ट्रेन से हो, हवाई कनेक्टिविटी हिंडन एयरपोर्ट से हो, या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी, गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तृत हो, इसी प्रकार का दूसरा सी यानी क्लीनलीनेस। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में गाजियाबाद देश में 13वां स्थान पर पहुंच गया है। खतरा में 351 नंबर पे था। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी और राज्यपाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति पर है और पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मानती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जहां विकास और सुशासन के माध्यम से पूरे देश के अंदर लोक मंगलकारी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवाद का नेस्तनाबूत करने और गाजियाबाद की धरती पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, मैं गाजियाबाद के आप सभी नागरिक बंधुओं की ओर से अपने यशस्वी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पीएम मोदी दिलसाद गार्डन से शहीद स्थल न्यू बस अड्डा तक मेट्रो विस्तार कार्य का भी लोकार्पण करते नजर आए।
9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मेट्रो लाइन में 1,781 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। इसका निर्माण डीएमआरसी, जीडीए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और यूपी औद्योगिक विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से कराया गया है। गाजियाबाद की कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए आज दो बड़े और आधुनिक प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। थोड़ी देर पहले हिंडन एयरबेस से सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। सामान्य सेवा के लिए भी एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार है। मेट्रो को मिली सौगात, दिलशाद गार्डन से न्यू बस अड्डा मेट्रो का लोकार्पण। इस कॉरिडोर में 8 स्टेशन है। स्टेशनों के नाम शहीद नगर, राजबाग और मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर है, श्याम पार्क, मोहन नगर, अर्थला, हडन रिवर और शहीद स्थल न्यू बस अड्डा स्टेशन भी आएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रैपिड रेल का भी शिलान्यास किया, जिसका फायदा सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को होगा। इसके तहत प्रथम चरण में करीब 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 30,274 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के बाद कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किया और पुलवामा आतंकी हमले के बहाने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां हमारे जवानों की वीरता से हमारा सीना चौड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ घर के भीतर ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बयानों का फायदा आतंकियों के सरपरस्त उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे, लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। और आगरा, इनकी मेट्रो लाइन का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज यही कानपुर की धरती से किया गया है। विकास के ये सारे काम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। सबसे ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन देकर लोगों के जीवन से अंधेरा मिटा दिया गया है। सरकार द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों और सामान्य जनों को पर्याप्त बिजली मिल पाए। गंगा को साफ और स्वच्छ करने के नाम हजारों करोड़ रुपए पता नहीं कहां चले गए, कौन ले गए, पानी में गए कि पॉकेट में गए। लेकिन भाइयों बहनों, तिजोरी तो खाली हो गई लेकिन मां गंगा की गंदगी में कमी नहीं आई। कानपुर में गंगा जी को जो स्थिति थी उसको देखकर लोग अक्सर कहते थे कि स्थिति को बदल पाना नामुमकिन है, लेकिन हमारी सरकार ने देश को यह विश्वास दिलाया है कि नामुमकिन भी अब तो मुमकिन है। 2019 आम चुनाव का आगाज हो चुका है। सियासी पार्टियां जनता को रुभाने में जुटी हुई हैं। नेता शहर से लेकर गांव तक गलियारों की खाक छान रहे हैं, वहीं आम जनता नेता के वादे और कामों को परखने में लगी है, क्योंकि अब फैसला उनको करना है। ऐसे में इस बार चुनावी संग्राम काफी दिलचस्प होगा। कैसा है कानपुर देहात का सियासी मिजाज? बीजेपी के गढ़ में कितना हुआ विकास?
अकबरपुर लोकसभा सीट का क्या है हाल? आम आदमी की उम्मीद पर कितना खरे उतरे सांसद जी? 2019 आम चुनाव का आगाज हो चुका है, सियासी पार्टियां जनता को लुभाने में जुट गई हैं। नेता शहर से लेकर गांव तक की गलियों की खाक छान रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट में अपना उम्मीदवार तक घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने यहां पुराने दिग्गज नेता राजा राम पाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बात मौजूदा सांसद की करें तो इस वक्त अकबरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से देवेंद्र सिंह भोले सांसद हैं। देवेंद्र सिंह भोले यूपी में बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इलाके में देवेंद्र सिंह भोले का अच्छा खासा प्रभाव है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर में यहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीट आती हैं। इस समय सभी विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मौजूदा सांसद का दावा है कि पिछले 5 सालों में कानपुर देहात का तेजी से विकास हुआ है। कई बड़ी योजनाएं इस समय कानपुर देहात में चल रही हैं। बावजूद इसके इस बार के लोकसभा चुनाव में यहां विकास, महिला सुरक्षा, रोजगार और महंगाई अहम मुद्दे होंगे। इस जिले से 2-2 नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं। एक लखनऊ से कानपुर देहात होते हुए दिल्ली को जाता है और दूसरा कानपुर देहात से होते हुए झांसी जाता है। बावजूद इसके जिले के लोगों की माने तो उन्हें अभी तक ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट से लगी इटावा, कन्नौज और कानपुर नगर की ये तीनों महत्वपूर्ण सीटें हैं। इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुका कानपुर देहात का ये जिला लोगों की जुबान पर अब बना रहता है, क्योंकि इस जिले में देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गृह जिला भी है। आम चुनाव में कानपुर देहात में एक बार फिर विकास अहम मुद्दा होगा। इन मुद्दों के आधार पर पार्टियां जनता को कैसे लुभा पाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरत सिंह, इंडिया न्यूज, कानपुर देहात। कानपुर देहात में विकास की बात करें तो यहां जितना विकास होना चाहिए आज तक नहीं हुआ। लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। बात आदर्श गांव की करें तो यहां कुछ हद तक काम हुआ है, लेकिन जिस स्तर से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। 2014 में पूर्ण बहुमत से आई बीजेपी की मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है। ये विकास गांव-गांव तक कितना पहुंचा ये जानने के लिए हम पहुंचे अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर सांसद देवेंद्र सिंह भोले यहां के सांसद हैं। इनसे बात करते हैं कि जिले में कितना विकास इनके क्षेत्र में कराया गया है। सांसद जी ये बताइए, 2014 में जब आपकी सरकार आई थी तो गांव-गांव विकास की बात की गई थी, कितना विकास आपके द्वारा कराया गया? सबका साथ और सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था और देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को टूटने नहीं दूंगा। ये दूसरा 26 मई को शपथ लेने के बाद पहले उद्बोधन में उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिया था कि गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, कमज़ोर लोगों की सरकार है और उनकी नुमाइंदगी करने के लिए प्रधान सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सारी टीम, सारे लोग काम करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हमारे जो विपक्ष में लोग खड़े अगर विकास के मामले में हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनका सुझाव भी मान करके विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने का रास्ता सुलभ करेंगे और 2019 में हम रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। आज पूरे क्षेत्र में हमारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी गांव, कोई भी कस्बा, कोई भी मजरा बाकी नहीं है जहाँ दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत और IPDS के तहत पूरे तरीके से गांव संतप्त ना हो गया हो। सौभाग्य योजना का लक्ष्य कहीं इक्का दुक्का अगर घर रह गए हैं उनको भी हम लोग 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। अच्छा, आपकी गोद लिए गांव में कुछ ग्रामीणों से भी बात हुई जो दबे मुंह, हालांकि कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनका कहना था कि विकास तो कराया है सांसद जी ने लेकिन कभी गाँव नहीं आए। आपको सरकारी आंकड़ों में मैंने विकास कराया है ये तो सामने दिखाई पड़ता होगा। गांव ना आने की बात अगर कही है तो मैं अकेला नहीं गया हूँ। जब भी मैं गया हूँ तो बाकायदा हमने अपने कार्यालय से
जिलाधिकारी के यहाँ हमारा पत्र कानपुर नगर में भी और कानपुर देहात का भी जो हमारे गांव है, मैंने उनको सूचना भेजी है और संबंधित विभागों का अधिकारी गए हैं, तो आप जानकारी कर सकते हैं। और एक सांसद के लिए संभव नहीं है कि लगातार एक ही गांव बना रहेगा, वो बैठक करने जा सकता है, तिमाही में, छमाही में, सालाना है, उनका हम जो गांव हुए भौतिक सत्यापन करने जा सकता है, वो काम हमने किया। सपा और बसपा गठबंधन के बाद ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस भी गठबंधन में जुड़ गई है, तो क्या लगता है कितना चुनाव पूर्ण रहेगा ये चुनाव 2019 का? आपने नागनाथ और सांपनाथ को देखा है, आपको 2 जून 1995 की घटना याद है, आज हमारे श्रद्धेय ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं रहे, जिन्होंने बसपा की नेत्री के जान और उनकी इज्जत को बचाने का काम किया था। ये नापाक गठबंधन के वह लूट के माल के बंटवारे का झगड़ा है, परिवार का झगड़ा है, और इसलिए ये आप उनका नापाक गठबंधन उसी तरीके से हो रहा है कि पूरे देश के लोग महागठबंधन बना करके केवल देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को रोकना चाहते हैं। रोकना इसलिए चाहते हैं कि आज देश में एक प्रधानमंत्री ये कहते थे कि दिल्ली से चलने वाला पैसा 15 रुपए गांव में लगता है, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि दिल्ली से 100 रुपए से चलते 1 रुपया चलता है, पूरा का पूरा गांव में लगता है, और इसलिए लोगों को डायरेक्ट बेनिफिशरीज को उनके खाते में पैसा हर योजना का ट्रांसफर हो रहा है, लोगों को बीच में पैसा खाने का मौका नहीं लग रहा है, इसलिए ये सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, श्रद्धेय मोदी जी को रोकना चाहते हैं। लेकिन देश के आवाम ने ये तय कर दिया है, आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक में आज तक ये जाधव को नहीं ला पाए पाकिस्तान से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं की और उनको मजबूर कर दिया है कि उन्होंने अभिनंदन को उन्हें वापस करना पड़ा। और आप क्या चाहते हैं? तो बिल्कुल साफ तौर पर ये थे अकबरपुर लोकसभा से सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, जिनका साफ तौर पर कहना था विकास बीजेपी सरकार में हुआ है, और रही गठबंधन की बात तो ये गठबंधन कोई रोक नहीं पाएगा 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में। कानपुर देहात से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों का भले ही ऐलान न किया हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की तलाश करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां सियासी पार्टियां संभावित नामों पर चर्चा में लगी हुई हैं, वहीं कांग्रेस सबसे आगे निकलकर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 11 और गुजरात की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी में प्रियंका की एंट्री के बाद सक्रिय कांग्रेस, गठबंधन से अलग कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। चुनाव आयोग ने भले ही अभी तारीखों का ऐलान न किया हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की तलाश करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां सियासी पार्टियां संभावित नामों पर चर्चा में लगी हैं, तो वहीं कांग्रेस सबसे आगे निकल गई है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 11 और गुजरात की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। सपा बसपा गठबंधन ने सोनिया और राहुल की सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। हालांकि कांग्रेस ने बदायूं से सलीम शेरवानी को टिकट दिया है। यहां से अभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपे जाने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ये सोनिया गांधी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम होने से सभी अटकलों पर विराम लग गया है। रायबरेली से लगातार 3 बार से सोनिया गांधी सांसद हैं। रायबरेली कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है। कांग्रेस ने जिन 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें से 12 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। वहीं 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट सपा के पास है। 2009 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन 15 सीटों में से 9 कांग्रेस ने, 4 बीजेपी और सपा ने 2 सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद एक बार फिर यूपी के सियासी गठजोड़ की हवा चलने लगी है। यही वजह है कि आज प्रियंका गांधी का यूपी दौरा रद्द कर दिया गया।
ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि आखिर यूपी में कांग्रेस किस आधार पर गठबंधन करेगी और उसके खाते में कितनी सीट आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सोनिया गांधी रायबरेली से घोषित की गई हैं। यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो इमरान मसूद का नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है। सलीम इकबाल शेरवानी को बदायूं से टिकट दिया गया है, जिसका ऐलान कर दिया गया है। तो साथ ही साथ धौरहरा सीट से जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अनु टंडन उन्नाव से चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो सलमान खुर्शीद को फर्रुखाबाद से टिकट दिया गया है। अकबरपुर से राजाराम पाल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ब्रिजलाल खाबरी को जालौन की सुरक्षित सीट से उतारा गया है। तो फैजाबाद से निर्मल खत्री का नाम फाइनल किया गया है। आरपीएन सिंह को कुशीनगर से टिकट। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। पिछले कई दशकों से चल रहे इस मामले का विवाद अब मध्यस्थता से सुलझेगा। मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष से मिले सुझावों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थताओं के नाम को तय कर दिया है, जिन्हें 2 महीने के अंदर सभी पक्षों से बात करनी होगी, जिसके बाद ये पैनल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगा। मध्यस्थताओं के पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला, सीनियर वकील श्री राम पंचू शामिल हैं। इस पैनल को 1 हफ्ते के भीतर अपनी सुनवाई शुरू करनी होगी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की मध्यस्थता की पूरी सुनवाई अयोध्या में ही होगी। पैनल को 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि इस बीच भी पैनल लगातार कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। फिलहाल अब राजनीतिक पार्टियां तारीख बताएं या ना बताएं, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो उन्होंने इसे राजनीतिक पार्टियों से दूर कर आपसी सुलह से सुलझाने की बात कह दी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जनता कितनी प्रभावित होती है। रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह, श्री श्री रविशंकर प्रसाद, वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू, ये वो 3 नाम हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। यानी अब मंदिर या मस्जिद का निर्माण इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए यही 3 नाम सुझाए हैं। कई लोग कई बार कई तरह से मध्यस्थता का प्रस्ताव कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि इस पर जो न्यायालय का फैसला हो वो दोनों पक्ष माने, और अगर न्यायालय का फैसले के पहले कोई बातचीत से कोई चीज तय हो सकती है तो कांग्रेस उसकी पसदर है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग आज वही बात की जो कांग्रेस कहती रही है कि पहले मध्यस्थता की कोशिश कर लो, और जब मध्यस्थता ना हो सके तो अब फिर अदालत अपने फैसले। बात अगर जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की करें तो इन्हें 3 सदस्यीय टीम का कप्तान घोषित किया गया है, और श्री श्री रविशंकर प्रसाद और श्री राम पंचू इनका साथ देंगे। लेकिन मध्यस्थता की ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी और अगले 4 हफ्ते में मामले की प्रगति की रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। इतना ही नहीं, पूरी प्रक्रिया में मीडिया का रोल भी कहीं ना कहीं नदारद दिख रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को मीडिया से दूर रखने की बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मध्यस्थता के लिए बातचीत फैजाबाद में होगी। वहीं इससे पहले बुधवार को ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों को सुना था। पीठ ने कहा था कि इस विवाद को मध्यस्थता के लिए सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में बाद में आदेश दिया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।